ज्योतिषाचार्य जी 100 साल के बाद मीन राशि में चतुर्ग्रही योग लगने जा रहा है, वो भी सबसे शुभ दिन पूर्णिमा के दिन। ऐसे में हालांकि सभी राशियों पर इसका प्रभाव पड़ने वाला है, लेकिन विशेषकर वो कौन से राशि हैं जिन पर शुभ फल की प्राप्ति होने वाली है और उनकी किस्मत इन चतुर्ग्रही योग के कारण बदलने वाली है। हर हर महादेव, जय बाबा वैद्यनाथ। इस बार बहुत दिनों के बाद ऐसा संयोग बना है कि पूर्णिमा के दिन और मीन राशि पर चतुर्ग्रही योग बन रहा है। ऐसे शास्त्र में हमारा वर्णन है, एक रासो जदा जानती चत्वारह पंचवाग ग्रह प्लावयंती मही कृष्णांग रुद्रेन जलेनवा। ऐसा श्लोक से है कि यदि एक राशि पर 4 ग्रह आ जाएं या 5 ग्रह आ जाएं, तो वह राशियों के लिए, कुछ राशि के लिए अच्छा है, लेकिन कुछ राशि वालों के लिए बहुत खराब होने वाला है और देश पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। कहता है कि अकाल की तरह इस धरती पर योग बन रहा है, या तो फिर लड़ाई का योग बन जाएगा। तो इसमें क्या है कि 4 ग्रह एक राशि पर पड़ा है, इससे 4 राशि वालों का शुभ होने वाला है, जिससे 4 राशि वाले का आकस्मिक धन लाभ होने वाला है और किस्मत भी बदलने वाला है। तो 4 राशि जो हैं वो हैं वृषभ राशि, कर्क, तुला और मीन। ये 4 राशि वालों का किस्मत जगेगा, लेकिन इसके साथ ही कुछ राशि वालों के लिए हानिकारक भी हो सकता है। तो 4 राशि वाले जो हैं, उनका भाग्य जो है वह 23 अप्रैल से बदलने वाला है।